और दारू समाज में सबसे बड़ी बुराई है। समाज को यही कहना चाहता हूँ कि इन कुरूतियाँ को छोड़ो और अपनी रीति पे आ जाओ और बच्चों को पढ़ाओ लिखो। हमारा समाज शिक्षित तो होता जा रहा है, लेकिन उसमें अच्छी समझ की कमी है। शिक्षा थी उसमें, अभी मुझे पता चला है कि वो डॉक्टर था पेशे से, पशुओं का डॉक्टर था जिसने हत्या करी है। कहीं ना कहीं इंसानियत लोगों के बीच में से जा रही है। लोभ और लालच में इंसानियत को जो है अपने अंदर दफन कर दिया है। आज हम पलवल के घाघोट गांव में आए हुए हैं। दिनांक 11 जुलाई को एक मासूम बच्चे जिसका नाम दिनेश कुमार है, उसकी अशिक्षा के कारण कुछ समाज में जो लोग हैं उनको ने उसका कत्ल कर दिया। आज हम यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे जिनके बच्चे का मृत्यु हुई है। उनके दादाजी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामचंद्र जी। जो ये घटना घटित हुई है, इसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था जी लेना देना। क्या लेना देना था? ये कुछ पैसे थे थोड़े से लेने देने के लिए जी। मैंने उसका तगादा किया था, इसी रंजिश को उसने रख लिया। जो ये घटना घटी है और जिसने वारदात को अंजाम दिया, वो कौन था? वो था जी हमारा काका था, उसका पोता, खास हमारा चाचा था, उसका पोता है, यानी खून से रिलेशन है हमारा परिवार का। ये क्या नाम था उसका? उसका योगेश, मवेशी डॉक्टर था जी, वो पढ़ा लिखा था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो ये समाज में ये बुराइयाँ आ चुकी हैं और ये घटना घट रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? ये मुख्य कारण इसका ये है जी कि हम जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, मादक पदार्थ का सेवन करते हैं और जी ये सट्टा लगाते हैं और शेयर बाजार लगाते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि हम सही खान पान नहीं और हमारा जो है वातावरण और रंग ढंग हमारे गलत हैं। हम शराब पीते हैं और औंधे सूधे काम करते हैं। जो ये घटना घट रही है, इनके समाज को यही कहना चाहता हूँ कि इन कुरूतियाँ को छोड़ो और अपनी रीति पे आ जाओ और बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा पे जोर दो, तभी कुछ कर सकते हो, वरना कुछ नहीं कर सकते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 मूल मंत्र दिए थे जी। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जी हाँ। कहीं ना कहीं हमारा समाज आज उन 3 मंत्रों से भटकता नजर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल भटकता आ रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि जी इनका सेवन किया जाए और इन पर अध्ययन किया जाए और इनको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि शिक्षा सबसे पहले शिक्षा है, क्योंकि सबसे पहले शिक्षा है, फिर संगठित है, फिर संघर्ष है। संघर्ष शिक्षा अगर प्रदान हो गई तो ये समझ लो संघर्ष ही हो गया, क्योंकि शिक्षा प्रदान करके हमारे बच्चे जब लग जाएंगे तो संघर्ष ही है। हाँ, लड़ाई झगड़े की कोई जरूरत नहीं, संघर्ष ही अगर शिक्षा प्राप्त होगी और उच्च कोटि की चाहे नौकरी लगे या ना लगे, ये कोई बात नहीं है, बाकी शिक्षा प्रदान करें और ये वहीं पहुँच जाएंगे, क्योंकि लड़ाई की फिर हमें जरूरत नहीं है। ये शिक्षा प्रदान कर लेंगे तो अपने अधिकारों को अपने ढंग से धीरे धीरे अपने अकलबंदी से पढ़ाई के रूप से ये निकाल लेंगे और उनके लिए अपने अधिकार के लिए ये लड़ते रहेंगे। आज बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई यहाँ पर पूरी टीम पहुँची है। आज हम जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी से बात करेंगे। सर, जो ये समाज में घटना घट रही है, इन पर अंकुश लगाने के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इन पे अंकुश लगाने की जहाँ तक बात है, कहीं ना कहीं इंसानियत लोगों के बीच में से जा रही है। लोभ और लालच में इंसानियत को जो है अपने अंदर दफन कर दिया है, तभी इस तरह की घटनाएं होती हैं। ये बहुत निंदनीय घटना है, एक ही परिवार में से जो है एक मासूम से बच्चे की हत्या कर दी जाती है। और आज बहुजन समाज पार्टी के इस दुख की घड़ी में सरदार उपकार सिंह जी, अशोक शास्त्री जी, राजपाल बौद्ध जी, सतीश जी, पृथला के अध्यक्ष करण सिंह जी और तमाम साथी जो है यहाँ पहुँचे हैं इस दुख की घड़ी में, और हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस दुख की घड़ी में यह जो परिवार है इसको दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और तथागत से यही अनुकंपा करेंगे कि जो लोगों ने इंसानियत अपने बीच से खो दी है उस इंसानियत को जिंदा करें। नाम आपका?
मेरा नाम भर्ती है जी, भर्ती मेंबर भर्ती। जो ये घटनाएं घट रही हैं समाज में, इनके बारे जो अंकुश लगाए जाए, इनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं जी, हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आना चाहिए। ये जो घटना घटी है आर्थिक कमजोरी से घटी है, पैसा के लेन देन के भी ऊपर घटी है। अगर वो पैसा लेन देन की नहीं होता तो घटना नहीं घटती, वो पैसा की कमजोरी में ये घटना घटी है। इसलिए हमारी समाज में आर्थिक सुधार आना चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, नौकरी सरकारी या गैर सरकारी या दुकानदारी किसी के लिए सरकार को प्रोत्साहित करके इस समाज को बढ़ावा देना चाहिए। और ये जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है, ये इस समाज में जो कुरीतियाँ हैं इनको दूर करने की पूरी जिम्मेवारी लें, प्रचार करें, गांव-गांव में प्रचार करें और ब्याह शादी में भी दहेज प्रथा को ख़त्म करें। और दारू समाज में सबसे बड़ी बुराई है, सट्टा और ये जो है मांस खाना भी हमारी आते विरुद्ध है हमारे समाज। तो ये बुराई है जो, ये जब दूर रह जाएंगी तो हम संगठित हो जाएंगे। तो हम पहले शिक्षित बने, फिर संघर्ष करें और फिर संगठित रहें। संगठित जब रह सकते हैं जब संगठित शिक्षित हैं, जब शिक्षित होंगे तो हमें बेरोजगार नहीं रहेंगे और हम जो है संघर्ष भी कर सकेंगे और हम अपनी अधिकार लड़ाई लड़ने में कामयाब होंगे। यही मेरा आपसे अनुरोध है। सर, आज जो ये घाघोट गांव में आप लोग आए हैं और जो ये घटना घटी है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं समाज से? ये बच्चा जो 11 साल का था दिनेश, इसकी हत्या की गई। हमारा समाज शिक्षित तो होता जा रहा है लेकिन उसमें अच्छी समझ की कमी है। शिक्षा थी उसमें, अभी मुझे पता चला है कि वो डॉक्टर था पेशे से, पशुओं का डॉक्टर था जिसने हत्या करी है। तो शिक्षा होने के बावजूद भी उसके अंदर समझ की कमी थी, और जो समझ आती है वो महापुरुषों के ज्ञान से आती है, कबीर साहब से आती है, रविदास जी से आती है। क्योंकि हमने दुनियावी शिक्षा तो ले ली है लेकिन जो महापुरुषों का ज्ञान था, कबीर साहब का ज्ञान था, बाबे नानक का ज्ञान था, रविदास जी का ज्ञान था, वो हम ले नहीं पाए। हम कुरीतियों में चले गए क्योंकि जो बंदे ने, जिसने हत्या करी है, वो जुआ खेलता था। जो आदमी जुआ खेलेगा वो सट्टा खेलेगा, उसके पास तो पैसे की तो कमी होनी होनी है। शिक्षा क्या करेगी? उसका विकास कभी नहीं हो सकता जिसके अंदर शराब की बुराई आ जाए, सट्टा खेले। और वो ऐसा बंदा था जो सट्टा खेलता था और शराब पीता था और नशे करता था और जुआ खेलता था, उसकी वजह से उसके ऊपर कर्जा चढ़ा, कर्जा दे नहीं पाया तो उसने घर के ही छोटे से बच्चे की निर्मम हत्या कर दी। तो हमें समझ भी अपने महापुरुषों से लेनी पड़ेगी, खाली शिक्षा से भी काम नहीं चलेगा। शिक्षा के साथ हमारा बौद्धिक विकास भी होना चाहिए। बौद्धिक विकास की कमी की वजह से समाज शिक्षित होके भी जानवरों वाले काम कर रहा है। ये जानवरों वाला काम करा है उसने, एक निर्मम हत्या बच्चे की करना। सो मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे समाज को अपने महापुरुषों की वाणी के साथ जुड़कर अपने जीवन को ऊंचा बनाना चाहिए, तभी हम असल में शिक्षित हो पाएंगे। धन्यवाद।